Hello everyone, today I am going to teach you how to use distributive pronoun. Means this, that, this, those. This and this indicate nearest thing and that and those indicate distance thing. मतलब नजदीक के चीजों के लिए this and these का यूज किया जाता है और दूर के चीजों के लिए that and those का यूज किया जाता है. बस फर्क इतना होता है कि ये सिंगुलर होते हैं और ये प्लूरल होते हैं. अब जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. दोस्तों, अगर प्रेजेंट फॉर्म में दिस हो तो इसके साथ आने वाले वर्ब इज लगाएंगे और पास्ट में हो तो वाज लगाएंगे. ठीक उसी प्रकार जब इसका प्लूरल देखा जाए तो दीज आता है एंड दीज के साथ प्रेजेंट फॉर्म में आर एंड पास्ट फॉर्म में वेयर लगाते हैं. बात करते हैं दैट का, तो प्रेजेंट फॉर्म में इज एंड पास्ट फॉर्म में वॉज लगता है. अगर दोज की बात की जाए तो प्रेजेंट फॉर्म में आर एंड पास्ट फॉर्म में वेयर लगता है. अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को. जैसे मैंने बोला कि दिस का यूज नजदीक के चीजों के लिए किया जाता है, जैसे दिस इज अ बॉय, दीज आर बॉयज. इन सभी चीजों से पता चला कि ये बिल्कुल नजदीक हैं. बट जब दैट का यूज किया जाएगा तो ये दूर की चीजों के लिए किया जाता है, जैसे दैट इज बॉय, दोज आर बॉयज. अगर इसी चीज को पास्ट में किया जाए, दिस वॉज बॉय, दीज वर बॉयज. अगर दूर की चीजों के लिए पास्ट में किया जाए तो दैट वॉज बॉय, Those were boys. इस तरह से हम लोग this and that का use करते हैं. जैसे is this cat? No, this is not cat. This is elephant. This is not bag. This is bat. This is not chair. This is table. Is this table? No, this is chair. इस तरह से आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव भी सेंटेंसेस में दिस, दैट, दिस, दोज का यूज कर सकते हैं.